चलिए हम देखते हैं अब आगे, परंतु उसके पहले हम ये देख लें कि कहाँ तक हमारा बना हुआ था। रन हो जा भाई। यहाँ तक हमने बना रखा था, इसके आगे हमें बनाना है। अब तो यहाँ पे कोर्सेस नहीं आया, शायद मेरा डेटाबेस चालू नहीं है, तो हम इन दोनों को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं फिर से क्या करूँगा प्रोग्राम को, एरर भी आए हैं, एक्सेप्शन भी आए हैं इधर, तो वही डेटाबेस चालू नहीं था मेरा, उसी का रिजल्ट है वो। तो हम फाइनली आज क्या करेंगे कि आ गया कोर्सेस, हम इन सारे इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में उठा करके हम स्टोर करेंगे। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि सेव बटन पर क्लिक करें तो ये सारा डिटेल उठे और चला जाए डेटाबेस में। तो डेटाबेस में डालने के लिए हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं अब फील्ड जो है थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, तो मुझे क्वेरी राइट करने में समय लगेगा, तो इसलिए मैं 2 मिनट में क्वेरी राइट करके मिलता हूँ। मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है क्वेरी, और अब मैं इनको क्या करूँगा, सीधा इधर से करूँगा कॉपी और इधर आके कर दूँगा पेस्ट। में आऊँगा एसक्यूएल में और फिर यहाँ पे पूरा कर दूँगा पेस्ट। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको पहले, कि बाकी तो ये सब कुछ है, प्राइमरी की बनाना चाह रहा हूँ, इसको ऑटो इंक्रीमेंट में करना चाह रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 अपने आप इंक्रीमेंट हो। यहाँ पे मैं जेंडर को मैंने वार क्यार ले रखा है, आप चाहें तो मेल का एम और फीमेल का एफ भी एक एक करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, जिससे मेमोरी का मैनेजमेंट होगा। लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण मैंने इसको नहीं रखा है ऐसा, मैंने सीधा मेल या फीमेल टोटल इसमें करेक्टर स्टोर कर दूंगा। बाकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन के लिए मैंने डेट डेटा टाइप ले रखा है और इन सब के लिए ले रखा है। इसमें थोड़ी ज़रूरी आपको मैं बताऊँ ये लग सकता है, जैसे यहाँ पे फोटो को मैंने मीडियम ब्लॉब ले रखा है, करेक्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट को ये सब मैंने मीडियम ब्लॉब ले रखा है। और नॉट नल का मतलब है कि ये नल नहीं हो सकता, मतलब खाली नहीं रख सकता। अब आप कहें कि मीडियम ब्लॉब मतलब क्या, तो ब्लॉब मतलब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, हमें बाइनरी डेटा टाइप वहाँ पे बाइनरी स्टोर करना है, जैसे फाइल सीधा फोटो हम डेटा बेस में स्टोर करेंगे तो उसके लिए डेटा टाइप लिया जाता है। अब कितने टाइप के मीडियम डेटा टाइप है, मतलब कितने टाइप के ब्लॉब डेटा टाइप है, तो मैंने जानने के लिए गूगल पे किया ब्लॉब डेटा साइज टाइप इन माई एसक्यूएल, मतलब ब्लॉब डेटा टाइप का साइज मैं सर्च करना चाह रहा, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया जो है। आप और अच्छे से इसको लिखेंगे तो लंबा लिस्ट खुल सकता है। तो मैंने जैसे सर्च किया तो मतलब यहाँ पे आया, और मैंने इसको जस्ट कॉपी मारा इधर से और फिर आया यहाँ पे, फिर सर्च किया बाइट टू एमबी कन्वर्टर, और फिर उसी को बाइट में मैंने कन्वर्ट किया तो यहाँ पे आ रहा है 16 MB, मतलब लगभग 16 MB तक स्टोर कर सकते हैं हम इसमें। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो है। अब आप चाहें तो आप ब्लॉब भी डेटा टाइप ले सकते हैं। ब्लॉब का यदि बात किया जाए तो इतना है ये, नो प्रॉब्लम, बट मैं ये ले रखा हूँ, मुझे यही लग रहा है सफिशियंट। अब इसको अगर मैं लूँ तो ये 4 GB लगभग शायद हो जाएगा कन्वर्ट करने पे। मेगाबाइट पता नहीं है कितना हो रहा है, अब मैं इसे कन्वर्ट कर लूंगा या 16 MB लगभग। ठीक, चलिए। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और सीधा ये कुछ एरर बता रहा है, डिस्ट्रिक्ट में वार क्या, कैटेगरी को भी तो हमें देना ही पड़ेगा ना, कि कैटेगरी बंदे का क्या है। तो मैं यहाँ से उठाता हूँ कॉपी और यहाँ पे करता हूँ मैं पेस्ट, और कैटेगरी में 100 रखे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन चलो 10 कर देता हूँ मैं, और सिंपल यहाँ से रन कर दिया। डुप्लीकेट हो, लगता है ये डुप्लीकेट हो रहा है, ये वाला कैटेगरी को डुप्लीकेट कर रहा था, तो मैं कैटेगरी एफ कर देता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी फाइल होगा ना, इसलिए कैटेगरी एफ कर दिया मैं इसका नेम। चलिए फिर से रन करते हैं, ये बन के रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सेम डिट्टो जो है
इसको कॉपी मारा है, इसको मैंने सेम डिट्टो कॉपी मारूंगा इधर से और चलूंगा इक्लिप्स के पास और बीन में आऊंगा और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐसे राइट क्लिक हो जाए भाई, क्लास यहाँ पे लिख दूंगा ये स्टूडेंट बीन, क्या लिख रहे हैं बीन, चलिए ये बीन बन गया स्टूडेंट का। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, पूरा गलत बताने लगा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लगाना है पब्लिक और यहाँ पे फिर लिखना है स्ट्रिंग और फिर नेम के जगह फिर नेम इसको कर देना है ऐसे। अब मैं यही काम सबके लिए करके फिर से जो है वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। तो मैंने इस तरह से पूरा राइट कर दिया वेरिएबल का नेम। आपको मैं बता दूं कि जो कोर्सेस था उसको मैंने कोर्स बीन के अंदर ले रखा है और फोटो इन सब चीज़ों को मैंने जो है इनपुट स्ट्रीम के रूप में यहाँ पे ले रखा है। इनपुट स्ट्रीम जो है ये देखिए यहाँ पे सी लिख करके ए का थोड़ा सा आइकन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसी का जो है चाइल्ड क्लास है फाइल इनपुट स्ट्रीम। जैसे मैं इसके सोर्स डिक्लेरेशन में गया तो यहाँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा हुआ है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये है इनपुट स्ट्रीम। लेकिन मेरे को यहाँ पे इसको प्राइवेट करना चाहिए, प्राइवेट प्राइवेट, और पीसी को मैं कट पेस्ट करता हूँ हर जगह ऐसे। और इतना करने के बाद मुझे गेटर सेटर जनरेट करनी चाहिए इधर से, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, जाऊँगा सोर्स में और फिर यहाँ पे जनरेट गेटर सेटर कर दूंगा और ऑल सेलेक्ट जनरेट पे क्लिक करने के बाद जनरेट हो जाता है पूरा गेटर सेटर हमारा। हमें इसमें इतने काम करना, बाकी हम कुछ ना करेंगे इसमें। तब सीधा मैं आऊँगा यहाँ पे और कहाँ पे आ गया मैं, लिसनर के अंदर अब मैं आ चुका हूँ। तो लिसनर के अंदर जैसे ही रिकॉर्ड हो रहा है ना, लिसनर के अंदर जैसे ही मैं अब आऊँगा तो यहाँ सेव बटन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं और नीचे आऊँगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर जो लिखा हुआ है इसको मैं गायब कर दूँगा। और यहाँ पे इफ के अंदर लिखूँगा इज वैलिडेट ऐसे और फिर इसके अंदर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पे इफ लिखता हूँ मैं और ये मेथड नहीं है तो यहाँ पे माउस लाऊंगा और क्रिएट मेथड पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देखिए क्रिएट मेथड अपने आप बन के रेडी हो गया। अब इसको मैं सबसे नीचे ले जाऊंगा, मैं सबसे लास्ट में आया और पेस्ट कर दिया और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स के जगह पे मैं कर दूंगा रिटर्न ट्रू, क्योंकि ये वैलिडेशन का जो मेथड है ये मैं अभी नहीं बता बनाने वाला हूँ, ये मैं प्रोजेक्ट के आखिरी में वैलिडेशन वाला बनाऊंगा। तो वैलिडेट में बाई डिफॉल्ट ट्रू आने वाला है तो ये चल जाएगा। अब मैं यहीं पे कोड लिखने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे ये स्टूडेंट बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, स्टूडेंट बीन, कंट्रोल स्पेस मारूंगा तो बीन आएगा और यहाँ पे न्यू करके ऐसे राइट क्लिक, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, मैं फिर से आऊँगा स्टूडेंट बीन के, अब क्या करना है हमें बीन डॉट नेम करेंगे तो सेट नेम, जैसे ही सेट नेम मैं करूंगा और इसके अंदर कर दूंगा मैं एड स्टूडेंट डॉट नेम टेक्स्ट फिल, ये टेक्स्ट फिल यहाँ पे आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, डॉट कर दूंगा गेट टेक्स्ट, तो गेट टेक्स्ट जो है स्ट्रिंग रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा डॉट ट्रिम मेथड में यहाँ पे चलाऊंगा। लेकिन आप कहेंगे कि यह डॉट ट्रिम मेथड का ज़रूरत क्या है, तो ये समझाने के लिए मैं सबसे पहले चलता हूँ, इसको मैं कट करूँगा, सॉरी कॉपी कर लेता हूँ, कट क्या करेंगे करके, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ के पेस्ट किया तो रन और रन करूँगा स्टूडेंट एड स्टूडेंट फॉर्म, रन कर दिया,
यहाँ पे मैं कुछ भी नेम टाइप करता हूँ और यहाँ पे जैसे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ नेम आ जाता है, आप देख लीजिए। परंतु मैं क्या करूँगा कि इसके जगह पे बहुत सारा स्पेस देता हूँ और इधर भी बहुत सारा स्पेस देता हूँ, और जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये स्पेस के साथ जो है यहाँ पे प्रिंट हुआ है। और वही मैं यहाँ पे ट्रिम मेथड पास कर दूँ, डॉट ट्रिम, तो उसके बाद आप देखो कि क्या होता है। मैं पहले इसको कट करता हूँ और रीरन करता हूँ मैं प्रोग्राम। जैसे मैंने रीरन करा और इस यहाँ पे स्पेस टाइप किया, इसके पहले भी स्पेस मैंने डाला, और जैसे ही सेव बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आया हुआ है, मतलब टेक्स्ट के आगे पीछे के स्पेस को ये ट्रिम करता है, काट देता है। तो मैं बस यही काम करने वाला हूँ यहाँ पे भी, डॉट ट्रिम कर दिया मैंने, यहाँ पे ट्रिम कर दिया मैंने। और फिर यहाँ पे हमें नेम की जगह पे फादर नेम भी चाहिए, एफ नेम चाहिए फादर नेम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही ऐड स्टूडेंट के अंदर से हम डॉट फादर नेम ले लेंगे यहाँ पे, डॉट FATH क्या है, फादर नेम हमने ये ले लिया यहाँ पे, परंतु ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सीधा मैं जाता हूँ यहाँ पे और इस पे, और यहाँ पे देखता हूँ फादर नेम नहीं होगा, बल्कि ये एफ नेम के नाम से वेरिएबल है। तो एफ नेम के नाम से वेरिएबल होने के कारण जो है ये नहीं आ रहा था। मैं इन सारे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं ले लाता हूँ यहाँ पे सेव मेथड के पास, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, इफ नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम मेथड पास करेंगे और ऐसे कर देंगे। फिर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे बीन करता हूँ मैं, बीन डॉट सेट एम नेम मदर नेम, इसमें ऐड स्टूडेंट डॉट एम नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। मैं इसी तरह से सभी को कर लेता हूँ, इसी तरह से एम नेम के बाद मैं मोबाइल नंबर के लिए भी यही करूँगा, मोबाइल 1, मोबाइल 2 के लिए भी कर देता हूँ। फिर मैं ईमेल के लिए भी करता हूँ ऐसे ईमेल, फिर उसके बाद एड्रेस के लिए एड्रेस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, यहाँ पे मैं स्टेट ले लेता हूँ, ओ स्टेट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे स्टेट ले देता हूँ। इतने हमारे पेस्ट हो गए, हमें चेंजेस तो इधर भी करना ही पड़ेंगे। मदर नेम के बाद मोबाइल नंबर करना पड़ेगा, MOBILE, MOBILE मोबाइल 1, फिर मोबाइल 2 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ईमेल करना होगा, एड्रेस, और फिर डिस्ट्रिक्ट DISTRIC। मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया तो ये सजेशंस आने लगे और मैंने उसी को देख करके टाइप करा है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे मोबाइल 2 करना चाहिए, स्टेट स्टेटी कर दिया मैंने, टाइप कर दिया सीधा। तो अब इन सबको मैं डिलीट करता हूँ, इसको कोई फायदा नहीं। फिर से मैं आ जाता हूँ ऐड स्टूडेंट वाले के पास, हमें अब लेना है डेट ऑफ बर्थ। मैं लिसनर के पास आता हूँ और यहाँ पे कमेंट करके डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ मैं। फिर हमें लेना है कोर्स कैटेगरी सेशन, सेशन की ज़रूरत है क्या, हमें नहीं है ज़रूरत सेशन की,
या हमने सेशन यूज़ किया है कहीं पे, पता नहीं। हमें सेशन की मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है, तो मैं सेशन यहीं पे छोड़ देता हूँ अभी। ऐसे, और उसके बाद फिर हमें कर क्या करना है, मेल फीमेल के लिए भी हमें देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे कमेंट आउट करता हूँ, और फिर हमें इमेजेस वगैरह के लिए भी काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लगभग अब हो ही चुके हैं, हमें इतनी ही बनाने हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। हाँ, मेल फीमेल आ गया। तो बीन डॉट जेंडर, बीन डॉट सेट, सेट जेंडर, और इसके अंदर हमें स्ट्रिंग पास करनी है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए, ये स्ट्रिंग लेता हूँ यहाँ पे, जेंडर ले लेता हूँ, और मुझे ये करना है कि यदि यहाँ पे भी एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने पास किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इफ MALE मेल डॉट, ऐसे मेल नहीं लिख सकते, लेकिन एड स्टूडेंट। मैं ये अभी कोड आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, पर मैं ऐसा कोड नहीं रहने दूंगा, मैं टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। डॉट जेंडर, जेंडर नहीं, मेल लिखना है हमें, MALE मेल डॉट CHECK डॉट गेट चेक्ड। .CHE कुछ तो प्रॉपर्टी होता है, मैं भूल रहा हूँ शायद अभी। इज CHE इज सेट इनेबल, शायद इनेबल प्रॉपर्टी है। इज सेलेक्टेड रिटर्न स्टेट बटन ट्रू, टॉगलर बटन इज सिलेक्टेड इज फॉल्ट। मुझे लगता है कि ये सिलेक्टेड ही ऑप्शन है। तो यदि ये सिलेक्टेड है तो हमें क्या करो, तब तो प्रिंट कर दो मेल, MALE मेल, एल्स ब्लॉक में या तो प्रिंट कर दो आप फीमेल, ऐसे। इस तरह से हम काम करना चाह रहे हैं। मैं आपको रन करके एक बार दिखाता हूँ, एरर आ रहा है अभी। तो एरर किस चीज़ का है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, एरर गायब हो जाएगा। यहाँ पे आया, मैंने इसको पे क्लिक किया और इस पे किया तो एरर आ गया। एरर किस चीज़ का है हम देखते हैं अब। ऊपर चल भाई, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा है गेट नेम, क्योंकि हमने कुछ टाइप नहीं किया है। यदि हम कुछ टाइप नहीं करेंगे और फिर जो है ट्रिम करेंगे, तो ये सॉरी, यहाँ पे नेम नहीं होना चाहिए, गेट टेक्स्ट होना चाहिए था, गेट TEXT टेक्स्ट, यहाँ पे गेट टेक्स्ट होना चाहिए। मैं फिर से रन करता हूँ, रन किया, और अब मैं मेल पे क्लिक करता हूँ और करता हूँ सेव बटन पे क्लिक, तो मेल आ गया। अब इसी पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये फीमेल आ गया नीचे। तो हमें क्या करना है, मैं इफ एल्स इस तरह से नहीं लिखने वाला, आप चाहें तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। इसको कर देता हूं मैं ऐसे, इस तरह से, फीमेल इस तरह से, और फिर हम नीचे आएंगे और क्या करेंगे, फीमेल,
और यहाँ पे लिख देंगे जेंडर। यदि मेल चेक्ड होगा, सिलेक्टेड हो गया यदि मेल, तब तो मेल से डाल दिया जाए जेंडर वाले वेरिएबल में। परंतु यदि ये सिलेक्टेड में फाल्स आएगा तो ये वाला कंडीशन जो है, ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा बल्कि इस ब्लॉक में आएगा, तो फीमेल डाल दिया जाएगा। पर ये कोड थोड़ा लेंदी है तो हम ये नहीं करने वाले, हम टर्नरी ऑपरेशन का मदद कर का हेल्प लेंगे। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है आप देखो, सिंपल सा, हमने ऐसे करा और फिर ऐसे किया। यदि ये ट्रू है तो हमें क्या करनी है, हमें क्या रिटर्न कर देनी है, मेल, MALE। एल्स, एल्स में हम क्या कर देंगे, फी मेल कर देंगे। इस तरह से आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूँ, तो काम इस तरह, यदि यहाँ पे सेलेक्टेड में यहाँ पे ट्रू आएगा तो ये मेल जो है इसमें चला जाएगा, और यदि यहाँ पे ट्रू नहीं आता तो ये वाला फीमेल यहाँ पे चला जाएगा। परंतु ये वेरिएबल एक्स्ट्रा बनाकर के काई के लिए मेमोरी खर्चा करना, हम इसको सीधा यहाँ से कॉपी करके और हम सीधा चाहें तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। यदि यहाँ पे ट्रू आता है तब तो मेल जो है रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा तो ये रिटर्न करेगा तो कहाँ रिटर्न करेगा, इसी मेथड के अंदर ही रिटर्न करेगा और इसमें असाइन हो जाएगा। और यदि यहाँ पे फॉल्स आएगा तो ये रिटर्न होगा, लेकिन ये रिटर्न होगा तो रिटर्न होकर के कहाँ जाएगा, ये तो मेथड के आर्ग्यूमेंट में ही पूरा लिखा हुआ एक्सप्रेशन। तो ये फीमेल जो है अब ऑटोमेटिकली फंक्शन में असाइन हो जाएगा। तो मैं इन सभी को यहीं पे कमेंट आउट करके छोड़ देता हूँ, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ अभी। अगला देखो आप।